टेक्निकल स्किल्स तो वो आपको प्रोवाइड करवा ही देंगे, वो तुमको कंपनी में ले रहा है तो वो तो तुमको किसी भी तरीके से डिसिप्लिन कर देगा। द फैक्ट इज कि तुम्हारे में ट्रेनेबिलिटी है कि नहीं, मतलब तुम ट्रेन होने लायक हो कि नहीं, ये किस चीज में देखा जाता है? एचआर राउंड में देखा जाता है। वंस यू आर डन विद योर टेक्निकल राउंड देन कम्स द एचआर राउंड। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं एचआर राउंड के, जैसे व्हाई शुड आई हायर यू, वी हैव बेटर स्टूडेंट्स देन यू, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम बेटर कॉलेज देन यू, टेल मी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योरसेल्फ। दूसरी बात, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तीसरी बात, दिस इज द एरा जहां आप मियरली एक एम्प्लॉय के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, कंपनीज आप में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखती है कि आप टीम लीड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी आपको टीम लीडर की तरफ प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन आप में वो क्वालिटीज है कि नहीं। इसीलिए लीडरशिप के बारे में जानना और थोड़ा सा उस क्वालिटी का शोल्डर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। एंड वन मोर थिंग, कंप्लेनिंग वॉन्ट टेक यू एनीवेयर। आप अगर आपने बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ा है, राइट, स्टडीड बिजनेस एचआर वर्कशॉप को अच्छे से कीजिए। ये फिक्स्ड ड्यूरेशन का वर्कशॉप होगा और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएगी, जैसे ई हायरिंग अभी कैसे चल रहा है, कैसे आपका प्रोफाइल रिक्रूट होता है, लिंक्डइन से कैसे जाता है, naukri.com से क्या जाता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू दीज वेबसाइट्स यू पे। मैम वर्कशॉप कब होगा? हां बोलो मैम, वर्कशॉप बस तुम्हारा टेस्ट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? There are only three participants. तुम लोग अभी तक दुर्गा पूजा मना रहे हो? No ma'am, इसी के कारण। See, there are just three students who are joined today. But anyway, in the next class, okay, in the next class I'll take test. Yes ma'am. Okay, yes, sure. And you don't need to worry. Believe me, this there's nothing like subjective. It will be a class test, marking. It will be a marking test, ठीक है? और oral test होगा। There are many. मैम ये कब होगा? परसों। परसों होगा। परसों मैम तो मैं परसों तो मेरा ट्रेन है मैम, नहीं हो पाएगा मेरा मैम। You take your online test, don't worry. Okay okay मैम। और क्लास में आज जितने लोग present हैं, परसों कोई भी absent नहीं होगा। कम से कम इन लोगों में से कोई absent नहीं होगा। इन लोगों में कहाँ कौन जाता है? इन लोगों में से। मैम ये तो ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, टेस्ट होगा ऑनलाइन, हम तुम्हारा ले लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्लास में आइए। आ जाओ क्लास में, डोंट गेट स्केयर्ड फ्रॉम दिस टेस्ट। पेरोल पढ़ाते मैम, मेरा 21 को ही टिकट है मैम, इसलिए बैकग्राउंड में भी पढ़ाएंगे, जैसे ईएसआई पीएफ का बैकग्राउंड, वो सब हम पूछेंगे नहीं। हम तुम लोग को उसी समय बताए थे कि वो क्वेश्चन हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं कि क्यों है। एक बार रीडिंग डाल लेना ऑब्जेक्टिव। इट विल बी एन ओरल टेस्ट, 20 मार्क्स पे मार्किंग होगी, ठीक है? एंड यू डोंट नीड टू, बस एक बार रिवीजन कर लो या आपस में भी डिस्कस कर लोगे तो हो जाएगा। क्या क्या था उसमें? सैलरी का स्ट्रक्चर था, कॉम्पेंसेशन था, सोशल सिक्योरिटी मेन पार्ट था, और पेरोल प्रोसेस था, और तीन एक्ट है बस। ग्रेच्युटी पीएफ और ईएसआई है ना, ये चीजें हम वर्कशॉप में रिपीट नहीं करेंगे। व्हेन आई स्टार्ट द वर्कशॉप आई विल स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। थोड़ा सा व्हेन सी, हाँ देखो, जब तुम लोगों का एक तो पहली बात कि तुम्हारा थर्ड ईयर में भी एचआर है, प्योर एचआर है थर्ड ईयर, तो उसका भी काफी कुछ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंस यू वर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग पेरोल, व्हेन पेरोल स्टार्टेड, और बाकी क्लासेस में हम एचआर का एक पूरा फुल इंट्रोडक्टरी क्लास लिए थे, तुम्हारे क्लास में हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि तुम लोग क्लास में हो इसलिए, ठीक है? इट्स ऑलवेज बेटर टू बी इन ऑफलाइन क्लास देन इन ऑनलाइन क्लास। मैम परसों ही 21 को होगा टेस्ट मैम। हाँ परसों ही टेस्ट होगा, तुम आ जाओ क्लास में परसों, ठीक है? एंड Take these classes seriously and high time you started behaving like a passed out student. अपने आप को groom करना शुरू करो अभी से, ठीक है? Class. Hello ma'am.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। परसों टेस्ट होगा, सो यू ऑल गियर अप एंड आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू इन द क्लास। ठीक है, कंपनसेशन, पेरोल, पेरोल मैनेजमेंट, देन सोशल सिक्योरिटी आप पूरा कवर कीजिएगा। सी आई अगेन बोलो, कल टेस्ट है, परसों परसों है ना क्लास तुम लोग का, थर्सडे। ठीक है सोशल मैम, तो हम तो ऑनलाइन ही एग्जाम देंगे ना मैम। सोशल, यस मैम। व्हाई आर यू सो वरीड मैम? यहाँ मैम पटना नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। परसों आप आ जाइएगा क्लास में। मैम परसों ही मेरा रात में ट्रेन है मैम। ठीक है, टेक योर ऑनलाइन टेस्ट इफ इट इज परसों, एंड यू ऑल डोंट नीड टू वरी। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहा मैं, ऑफलाइन जुबान है उसका बांध लेने दे रखिए। पता है इंटरव्यू में तुमसे अगर 5 सवाल पूछा गया और तुम 5 का गलत जवाब देते हो, इट इज अबाउट कि 6 क्वेश्चन में तुम्हारा एंजाइटी चेहरे पे दिखने लगता है कि ओ माय गॉड हम 5 सवाल का जवाब नहीं दे पाए। योर पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट कीपिंग योरसेल्फ काम, नहीं दे पाए ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वर्ड्स देखो लोग, हम रिवर्स की बात करते हैं, ये मेरा अपना फंडामेंटल है। इंटरव्यू में लोग कहते हैं गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव, अरे वो तो बेस्ट देगा ही लोग, किसको क्वेश्चन आएगा तो गलत थोड़ी बोल के आ जाएगा। ये सोचो कि वर्स्ट क्या होगा, नहीं होगा सिलेक्शन, कहीं और होगा, बस नहीं होगा तो नहीं होगा, जीवन और मृत्यु की बात थोड़ी हो गई वहां। छोड़ दो सारा टेंशन, जो आता है उसको सोच सोच के, लोगों को सोचने की बीमारी, तो क्या पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, उसमें क्या होता है ना, कभी कभी वो किताब की बात पूछते ही नहीं है, सिर्फ तुमसे 2-3 सवाल करेंगे। यू थिंक कि कोई स्टूडेंट बाहर निकल के ये बोला, उससे पूछा गया तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, तुम कहाँ से स्कूल किए और तुम्हारा फ्यूचर गोल्स क्या है, एकदम कैजुअल क्वेश्चंस, और किसी से पूरा टेक्निकल पूछा। जरूरी नहीं है कि जिससे टेक्निकल पूछा उसको सिलेक्शन मिलेगा। तुम कैसा परफॉर्म किए, तुम कैसे एम्प्लॉय हो, अब तुम घबरा जाते हो और तुमको मार्केटिंग में बोलेगा है ही नहीं, तुम लोगों से बात कैसे करो, कंपनी का नाम ही तो खराब करोगे ना वहां जाके। इसीलिए डोंट वरी फॉर दैट, इंटरव्यू में हमेशा ये सोच करके जाओ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं लेगा सिलेक्शन, कहीं और ट्राई करेंगे, दैट्स इट। कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो समझ में आ जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो समझ में आ जाता है, दूसरी बात तुम पढ़ोगे नहीं तो भी कॉन्फिडेंस डाउन है। ठीक है, जो जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनको कुछ अलग से नहीं पिलाया खिलाया जाता है, उनको अपने स्टडी मैटर का ये होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया हमसे तो इनडायरेक्ट भी पूछा जाएगा, तो एम्प्लॉय, जैसे मान लो कि हम तुमको रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन पढ़ाए, देखो क्वेश्चन का डोव टेलिंग सीखो, डोव टेलिंग मतलब
एक चीज को दूसरे पार्ट से जोड़ना, रिलेट करना, जो कि डिस्टेंटली रिलेटेड है, अलग अलग जगह पे कोर्स क्यों बनाया जाता है? तुम्हारा बीबीएम का एक कोर्स है. व्हाई इज दिस कोर्स? व्हाई हैव थिंग्स बीन इंकल्केटेड इन योर कोर्स? तुमको कुछ फाइनेंस पढ़ाया जा रहा है, कुछ बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ाया जा रहा है, कुछ एचआर पढ़ाया जाएगा थर्ड ईयर में. तो एट द एंड ऑफ द डे तुम क्या कहलाओगे? एक बीबीएम ग्रेजुएट, एक कोर्स करके आए हो. तो चीजों को डोवटेल करना सीखो. मान लो तुमसे पूछो कि तुमसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि व्हाई शुड आई हायर यू, ठीक है? तुम ये बात बोलो, तुम ये बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ बोल नहीं सकते हो. वो भी बेवकूफ नहीं बैठा है जो इंटरव्यू ले रहा है. यू हैव टू बी इनफ कन्विंसिंग फॉर देम. जैसे तुम ये बात बोलो कि सर, अपार्ट फ्रॉम माय ओन पैशन फॉर वर्क, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक अप लीडरशिप थिंग इन ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर वो बोलेगा कि लीडरशिप एज इन व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक यू हैव फॉर लीडर्स. तो हम जब तुमको लीडरशिप पढ़ाएंगे कि करंट लीडर के लिए क्या चाहिए, तुम वो क्वालिटीज रखने में बताओ, तुम वो क्वालिटीज रखने में यूज करो कि ऐसी ऐसी चीजें हैं. मैम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. एलपीजी एरा के बाद क्या हुआ? एलपीजी आप लोग पढ़े हैं ना? पढ़े इंडस्ट्रियल पॉलिसी में? किसका क्लास होता है? एलपीजी के बाद क्या हुआ? वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी लगभग 50% हो गया है. आप जहाँ देखिएगा कि वहां है. अब तो माइनिंग वगैरह में भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, ठीक है? आर्मी में भी अलाउ किया है ट्रेनिंग के लिए. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि लीडरशिप, जब तुम लीडर बनोगे तो क्या तुम बायस्ड हो सकते हो? कैन यू अफोर्ड टू बी बायस्ड? आपको ये सरप्राइज होगा कि जो चीजें आप बुक में पढ़ते हैं वो चीजें ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के तौर पे दी जाती है. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप देखेंगे, आपको ये पढ़ाया जाता है ना वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. एलपीजी के बाद क्या हुआ हम बताएंगे, ठीक है, वर्कशॉप में. और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के बाद आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन का वर्कशॉप कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है एक वीक ऐसे. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट टेलिंग सम एनीवन. क्यों कराया जाता है जेंडर सेंसिटाइजेशन? अब आप ये सोच लीजिए कि जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल तो नहीं है, पढ़ लिख के इंटरव्यू देके एग्जाम क्वालिफाई करके गए ऑर्गेनाइजेशन में, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर रैंक के लोग हैं, फिर क्यों दिया जाता है? जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या समझे इससे? क्यों दिया जाता है बताओ? They are learned people, they are not illiterate. क्यों इसको इतना important workshop या training में रखा गया? To make more professional. To be more professional, no. Company, why would company spend on something which is not important? Company पैसा ऐसे नहीं खर्च करती है. आप trainer बाहर से बुलाते हैं, उसका charge है. आपके जितने एम्प्लॉयज को एक महीने एक सप्ताह के लिए आपने ट्रेनिंग में भेजा, उनका काम यहाँ पर करा के आप भेज रहे हैं ना? क्यों भेजे? अगर जेंडर जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब समझे कि नहीं? नहीं समझे. सेंसिटाइज मतलब यू बी अ लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स थिंग्स. जेंडर में जनरली हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? नो, जस्ट फीमेल. क्योंकि चाहे जितना भी लॉज बन जाए, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो जाए, बट डार्क साइड है. डार्क साइड स्टिल रिमेन्स, द माइंडसेट स्टिल रिमेन्स. ठीक है? और आपको ये सरप्राइज होगा जान के इट्स नॉट जस्ट इन जनरली जो हम फैमिलीज में या सोसाइटी में देखते हैं. फैमिली क्या है? सोसाइटी का एक यूनिट है. ढेर सारी वैसी फैमिली बन करके समाज बना हमारा. तो जो हमारे घर में होता है बाहर भी होता है, ऑफिस में भी होता है. क्योंकि वर्कफोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट परसेंटेज है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में. और अगर जेंडर सेंसिटाइजेशन यानी कि रिस्पेक्ट एंड द फैक्ट कि यू एक्सेप्ट देम एज इक्वल. सैलरी सेम मिल रही है बट पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग देम एज इक्वल.
पर इवन एट वर्क प्लेसेस इस चीज को सेंसिटाइज करने के लिए कि नो जस्ट कम आउट ऑफ द थिंग दैट दे हैव फाइनली कम आउट ऑफ हाउसेस एंड दे आर वर्किंग फॉर मनी दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर होम्स स्टीरियोटाइप तो देखे स्टीरियोटाइप तो क्योंकि लॉज इम्पोर्टेंट होता है लेकिन माइंडसेट उससे भी ज्यादा होता है. अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है, इट इज इजियर टू ब्रेक एन एटम दैन अ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस माने क्या आपका माइंडसेट हो गया है किसी चीज के बारे में. फॉर एग्जाम्पल द वुमेन, जब जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात हो रही है तो हम बताते हैं जैसे कि द वुमेन हु कम्स आउट ऑफ अ होम एंड इज वर्किंग इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर होम. ये है कि नहीं माइंडसेट आज भी है समाज में. द वुमेन हु इज कमिंग आउट ऑफ हर होम फॉर वर्किंग इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर होम. ये माइंडसेट है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है. नहीं समाज की या फिर समाज में रही है तो उसको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, उसको बच्चे से मतलब नहीं, उसको हस्बैंड से, उसको पेरेंट्स से मतलब नहीं. ये एक स्टीरियोटाइप है कि नहीं? Yes, इस तरीके का स्टीरियोटाइप तुमको लगता है कि कानून से टूटेगा? नहीं, इस तरीके का स्टीरियोटाइप सिर्फ परसेप्शन से टूटता है. आप जब परसेप्शन बदलेंगे तो ये चीजें बदलेंगी. ठीक है, वरना ऐसा नहीं होता है कि द वुमेन हु आर एट होम दे आर वेरी कूल. उनका प्रोफेशन भी अलग भी हो सकता है, यही प्रोफेशन बना लेती है सच कुछ करना. ठीक है, फिर दीज थिंग्स. अब आप सोच सकते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है. अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, 7 दिन का 8 दिन का वर्कशॉप चलाया जाता है, एम्प्लॉयज को बताया जाता है ना. तो ऐसी ऐसी चीजें होती है. तो we will deal with all of these things in workshop. आपका overall development होगा अगर आप workshop में ही करें. workshop का कोई charges नहीं है? No. इतना है ना, just देख रहा है. payroll का class over होगा. I made this proposal to him कि HR आपका half से ज़्यादा, आप जब third year तक जाएंगे, by that time आपका HR का कुछ टॉपिक्स पढ़ लेना सिर्फ इम्पोर्टेंट थोड़ी होता है. एचआर के तरीके से समझो, प्रैक्टिकली समझो कि क्यों एचआर इम्पोर्टेंट हो गया. क्योंकि ये नहीं था, एचआर वाज नॉट दिस इम्पोर्टेंट 20 इयर्स बैक. इट वाज मियरली अ नेगोशिएटर ऑफ सैलरी ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वन हु वर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग पेपर वर्क पर्सनल रिकॉर्ड्स. ओके, थर्ड ईयर का हम देखेंगे सिलेबस. हमको लगता है उसमें से काफी चीजें ऑलरेडी कवर्ड हो जाएंगी आपकी. आई विल ऑल्सो डील विद ई रिक्रूटमेंट. अभी ई रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है. ई एच आर एम, ये सारी चीजें देखो कैसे लेते हो. अगर किसी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हो रहा है तो इसका भी तो तुम्हारा एग्जाम नहीं हो रहा है, इन सेंस की यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो रहा है. तो इसका भी तो आप लोग दोनों फायदा उठा सकते हैं. क्लास में पढ़ने में कोई लोड नहीं है, नहीं है ना टेंशन. प्लस आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, आप ऑलराउंड तरीके से सोच सकते हैं. जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन यही पूछा जाए जो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपना भी आंसर करेंगे तो आप चीजों को अगर 3-4 तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो आंसर आपका ज्यादा बेटर क्वालिटी में होगा. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू? पता नहीं कौन सा लिब्रे कहां है. सब थोड़ा नॉलेज है, एडम कोर्स है ना. क्योंकि अगर मान ले किसी कंपनी में कोई ऑपरेशन हो गया या हाफ हार्टेड नॉलेज लेने का कोई मतलब नहीं होता है. कभी पलट के देखो तो समझ में आए क्या पढ़ रहे हो. Okay.
यू जस्ट गो थ्रू इट गिव एन रिपोर्ट उसके बाद मतलब कि रॉयल कमीशन ऑफ लेबर नहीं ये सब नहीं पूछे गए ये सब हम समझाने के लिए पूछे गए समझाएं मैम मेरा एग्जाम कैसे होगा अरे नहीं कंफ्यूज आई टोल्ड यू आई विल टेक योर एग्जाम मैम सॉरी हां मैम यहां नहीं ना मैम कोलकाता में मैम मेरा ट्रेन है 21 को ही जिस दिन आपका क्लास है रात में मेरा ट्रेन है मैम अच्छा ओके आई डोंट वरी फॉर दैट एसआई के बाद पीएफ बताएंगे उसके बाद लास्ट स्टेप था पेरोल प्रोसेस क्यों बताए थे इसलिए क्योंकि क्लास में जब पहले दिन चार्ट बनवाए थे आप लोगों का उसमें ग्रॉस सैलरी थी ग्रॉस सैलरी में जितने डिडक्शन थे उसके बाद नेट सैलरी थी डिडक्शन बहुत टाइप का होता है लेकिन पीएफ ईएसआई ये सब थोड़ा बेसिक डिडक्शन होता है उसके बाद तो वो जानना चाहिए तुम लोगों उसके बाद लेबर लॉज बताए थे एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था लेबर लॉज कितने टाइप का होता है वो भी बताए रिमेम्बर दैट रॉयल कमीशन नो लेबर लॉज प्रोटेक्टिव लेबर लॉज रेगुलेटिव लेबर लॉज सोशल सिक्योरिटी ये बताने के लिए कि सोशल सिक्योरिटी जब आप पढ़े तो आप समझे कि ये बस एक टाइप ऑफ लेबर लॉ है बाकी भी अलग अलग तरीके का लेबर लॉ होता है ओके एंड डोंट वरी जस्ट गिव अ कर्सरी लुक टू योर पेपर हो जाएगा Peace home.